हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम लोग किसी भी टेबल को कैसे टेक्स्ट में तब्दील करते हैं, कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंदर। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है। यहाँ नीचे देखें, डॉक्यूमेंट पेज के अंदर एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया हुआ है। इसमें नेम कॉलम है, रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, टोटल मार्क्स है। इस टेबल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, इस टेबल को अगर मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने इस तरह सिलेक्ट कर दिया, कर्सर से मैंने पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया। इस टेबल को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक टाइटल बार के ठीक नीचे देखेंगे ये अलग अलग टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, अलग अलग यहाँ पे टैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करना है, फिर लेआउट टैब जो है उस पर क्लिक करना है। लेआउट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, लेआउट के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं अलग अलग, जैसे सेल साइज का है, अलाइनमेंट है, और इधर राइट हैंड साइड में डाटा लिखा हुआ देखें, डाटा के ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स। ये इस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग किसी भी टेबल को टेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टेबल को सिलेक्ट किया, उसके बाद लेआउट टैब में गए, उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स। यहाँ पे देखें, सेपरेट टेक्स विथ, यहाँ पैराग्राफ मार्क्स दिया हुआ है, टैब दिया है, कॉमर्स दिया हुआ है। अगर आप कॉमर्स में चाहते हैं टैब, तो टैब को ही ऑन रखें हम, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं टेबल टेबल के अंदर जो टेक्स्ट था इस तरह अलग अलग, देखिए अलग हो गया, टेबल से ही अलग हो गया। तो इस तरह हम लोग किसी भी टेबल को उसको टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंदर। इट्स वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।